हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI क्लर्क प्री के रिजल्ट के बारे में और IBPS क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है आपका कब तक आ सकता है। जैसा कि आप बहुत सारी वीडियो देख ही चुके हैं कि SBI क्लर्क का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, कुछ ने डेट्स भी बता रखी है, मेंस की डेट भी है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है जिसके अंदर आपका प्री के रिजल्ट की डेट और मेंस के रिजल्ट की डेट के बारे में बताया गया हो, क्योंकि करेगा उसी दिन आपका जो है मेंस की डेट भी जो है अनाउंस हो जाएगी। अब SBI इतना लेट क्यों कर रहा है, SBI भूल गया है क्या कि उसको क्लर्क का रिजल्ट भी देना है, क्योंकि SBI अप्रेंटिस का भी टेस्ट करवा रहा है अभी हाल ही में 17, 18, 19, 20 चार दिन शायद आपके SBI अप्रेंटिस के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, उनका भी रिजल्ट आएगा। तो SBI अपने ऊपर बर्डन जो है बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि उसने SBI क्लर्क प्री का रिजल्ट भी नहीं दिया और अप्रेंटिस का 2021 का भी फॉर्म है और अप्रेंटिस का शायद 2020 की भी जो वैकेंसी है 8000 के करीब उसका भी एग्ज़ाम होना भी बाकी है। तो SBI ऐसा क्यों कर रहा है, लेट क्यों हो रहा है, अभी तक कोई नोटिस नहीं आया रिजल्ट के रिगार्डिंग, कोई डेट इशू नहीं हुई है, तो आखिर SBI क्लर्क का रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। अगर मैं अपने व्यू की बात करता हूँ तो SBI का रिजल्ट कब है या कब आएगा ये किसी को नहीं पता। आज भी आ सकता है, शाम को भी आ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, क्योंकि अभी ऐसा कुछ नहीं पता। और SBI के जो ऑफिसर्स हैं उनके अलावा किसी को नहीं पता कि SBI जो है प्री का रिजल्ट कब अनाउंस करेगा। प्री के रिजल्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट जो है कर रहे हैं कि वो अपने मेंस की तैयारी करें या ना करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है लाइन पे जो अटेम्प्ट होता है 55, 60, 65 ये अटेम्प्ट है, फिर उसके अंदर उनकी एक्यूरेसी 90-95% है तो मार्क्स थोड़ा सा कम होंगे, नॉर्मलाइजेशन मिलेगा नहीं मिलेगा वो सिर्फ SBI को पता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये हैं कि हमारा अगर क्लियर होगा तो हम फिर मेंस के लिए जाएं, अगर नहीं होगा तो हम फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा, अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि मेरा क्लियर हो सकता है तो आप मेंस की तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए कि एट ए टाइम आपको पता चला कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया और मेंस के लिए आपको सिर्फ 10 दिन दिए गए और मेंस की जो तैयारी है आपकी है नहीं, आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा, आपने GA नहीं पढ़ा, तो आप उसको कैसे क्लियर करें। 8% नहीं, लेकिन हाँ 75% जो प्रिपरेशन है मेंस की आप करते रहिए, बाकी 100% आप उस 10 दिन के अंदर जो बाकी के दिन आपको मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए मेंस के लिए आप उसके अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ IBPS क्लर्क के नोटिफिकेशन के बारे में, तो बहुत से कैंडिडेटों का मेरे पास मेल आया था, उन्होंने पूछा था कि जो सेट का पेपर होने वाला है, NRA CET का पेपर होने वाला है, उस पर जो है SBI क्लर्क का जो इम्पैक्ट है वो होगा या नहीं होगा। तो देखिए अभी ऐसा भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि नोटिफिकेशन की सेट का जो है CET का जो इम्पैक्ट है वो SBI क्लर्क पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो SBI क्लर्क पहले अपना नोटिस जारी कर चुका था कि उसने फॉर्म भी भरवा लिए थे लेकिन रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो विड्रॉल कर ली गई वैकेंसी, नोटिफिकेशन सारा विड्रॉल कर लिया गया। अब दोबारा से जो नोटिफिकेशन आएगा हो सकता है कि आपका उसके अंदर सेट CET जो है वो इंक्लूड हो, क्योंकि अगर SBI को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होता तो वो अभी तक नोटिफिकेशन जारी करके 1 महीना या 1.5 महीना फॉर्म फिल करा के एग्ज़ाम डेट भी जारी कर सकता था। तो इसके अंदर आप ये समझ सकते हैं कि सेट जो है CET NRA CET जो है वो मोशन में आ सकता है कि आपका NRA CET के बाद ही आपको डायरेक्ट मेंस के लिए बुलाया जाए। तो अभी तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल नोटिस कोई आया नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं बैंकिंग न्यूज़ से अवेयर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।